बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने बिलाल बिन रबाह की जूतों की आहट जन्नत में अपने आगे सुनी। सही बुखारी, हदीस नंबर 1149। रूए ज़मीन पर कौन सा ऐसा मुसलमान होगा जिसने हज़रत बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम न सुना हो। इस्लाम से ज़रा सी भी वाकफियत रखने वाले शख्स से अगर सवाल किया जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुअज्जिन कौन था, तो वो आपको झट से जवाब देगा, हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु। यूं तो दुनिया में बेशुमार गुलाम पैदा हुए, हबशी उन नस्ल गुलामों की एक बड़ी तादाद अरब मुआशरे में मौजूद थी, मगर जो शोहरत और इज्जत हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के हिस्से में आई वो कम ही गुलामों को मिली होगी। कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल मक्का में आबाद थे, उनमें एक नुमाया नाम बनी जमहा का था। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की वालदा हमामा उसी खानदान की लौंडी थी। उनकी शादी रबाह से हुई जो हबशी नस्ल थे। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम बिलाल रखा गया। उनके आका का नाम उमैया बिन खल्फ था, उसका ताल्लुक बनी जमहा से था। बिलाल जमाने जहलियत में एक गुलाम थे और उस दौर में गुलामों के साथ जो सलूक होता था उसकी तफसील मुताज वजाहत नहीं। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु का कद लंबा, रंग सियाह, चेहरा पतला और सर पर घने बाल थे। ये उन खुशकिस्मत लोगों में से थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। सीरत निगारों ने लिखा है कि बालगों में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के बाद सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वाले हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ही थे। मुमकिन है कि उनसे पहले भी कुछ शख्सियात ने इस्लाम कबूल किया हो, मगर ये तयशुदा बात है कि ये साबिकीन में से थे। बिलाल अपने आका के ऊँटों की देखभाल करते और उसके इवज बहुत मामूली मुआवजा सुबह शाम के खाने की सूरत में वसूल करते थे। उस दौर के गुलामों को यही कुछ मिलता था कि दिन भर की जिद्दोजहद के बाद मामूली किस्म का खाना दे दिया जाता था और तन ढांपने के लिए कपड़े, ड्यूटी के कोई औकात मुकर्रर न थे। मालिक जब चाहता अपने गुलाम को आवाज देकर बुला लेता और उसे हुक्म सादिर करता, इनकार की कोई गुंजाइश न थी। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु के इस्लाम लाने की खबर जल्द ही फैल गई। उनके आका उमैया को पता चला तो सख्त नाराज हुआ। उसके लिए ये कोई मामूली खबर न थी कि उसका हबशी गुलाम इस्लाम कबूल कर ले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करने लगे। फिर उन पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी गई। उमैया उनकी गर्दन में रस्सी डालकर लड़कों को दे देता था और वो उन्हें मक्का के पहाड़ों में घुमाते फिरते। ये वहशियाना अमल उस तसलसल से किया जाता था कि उनकी गर्दन पर रस्सी का निशान पड़ जाता था। खुद उमैया भी उन्हें बांध कर डंडे मारता था, चिलचिलाती धूप में जबरन बिठाए रखता था, खाना पानी भी ना देता था, भूखा प्यासा रखता था। मक्का की गर्मी तो वैसे ही बड़ी शदीद होती है और ये जालिम हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को ऐन उस वक्त जब गर्मी अपने जोबन पर होती और जमीन तप जाती, देखते हुए फर्श पर लिटा देता और सीने पर भारी पत्थर रख देता था। फिर वो कहता, बिलाल तुम इसी हालत में तड़पते रहोगे यहाँ तक कि तुम मर जाओ। अगर इस अजाब से निजात पाना चाहते हो तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर करो और इस्लाम से दस्तबरदार हो जाओ। मगर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजीमत के क्या कहने, वो उमैया की बात को मुस्तरद कर देते थे और जोर जोर से अहद अहद की सदा लगाते थे। ये मुकद्दस बोल सुनकर उमैया और ज्यादा तैश में आ जाता था। वो उन पर और ज्यादा जुल्म करता, उनकी बुरी तरह पिटाई करता और कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा अल्फाज कहो और हमारे बुतों की तारीफ करो। कुफार का ये वतीरा गरीब और कमजोर मुसलमानों के साथ आम था। बाद सहाबा की जुबान से वो ऐसे कलमात कहलवाने में कामयाब भी हो गए। यही हरबा हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर भी आजमाया जा रहा था। उनसे भी यही मुतालबा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाजेबा कलमात कहो, मगर उन्होंने हर जुल्म सितम बर्दाश्त किया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के खिलाफ कोई कलमा जुबान से नहीं निकाला। ये जुल्म सितम रोजाना होता था। जैसे जैसे जुल्म बढ़ता गया
बिलाल का ईमान और पुख्ता होता चला गया। एक दिन हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अनु का उधर से गुजर हुआ, उन्होंने देखा कि हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु को बेरहमी से मारा जा रहा है। वो जुल्म और सितम की चक्की में पिस रहे हैं, मगर जुबान से अहद अहद ही के ईमान परवर बोल बुलंद कर रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु ने सोचा कि बिलाल रजी अल्लाह अनु का कसूर क्या है, सिर्फ ये कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह के दाई है। उन्होंने उमैया से कहा कि बिलाल रजी अल्लाह अनु को मेरे हाथ फरोख्त कर दो। सीरत निगारों ने लिखा है कि हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अनु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु के बदले में अपना गुलाम दे दिया, और बाज ने लिखा है कि उन्होंने एक औकिया यानी 40 दिरहम के बदले में खरीद लिया, और ये भी कहा जाता है कि 5 औकिये 200 दिरहम यानी 735 ग्राम चांदी या 7 औकिये 280 दिरहम यानी 1 किलो से ज्यादा चांदी के बदले में उनको खरीदा। उमैया को बड़ा ताज्जुब हो रहा था कि अबू बकर को इस काले कलोटे हबशी गुलाम में ऐसी क्या खूबी नजर आती है जो वो उसे इतने महंगे दामों खरीद रहे हैं। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु को खरीद लिया तो उमैया ने तंज भरे लहजे में कहा, जाओ अबू बकर, अगर तुम एक औकिया में भी खरीदना चाहते तो हम इसे बेच डालते। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, अब जरा अबू बकर रजी अल्लाह अनु का जवाब मुलाहिज़ा फरमाइए। उन्होंने कहा, उमैया तुम एक औकिया की बात करते हो, अगर तुम बिलाल की कीमत 100 औकिया भी लगाते तब भी मैं उन्हें खरीद लेता। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अनु ने बिलाल रजी अल्लाह अनु को खरीदने के बाद अल्लाह की रजा के लिए आज़ाद कर दिया। फिर उस आज़ाद करदा गुलाम को अल्लाह ताला ने ये इज्जत और शान दी कि हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह अनु ने फरमाया, हमारे सरदार अबू बकर ने हमारे सरदार बिलाल को आज़ाद किया है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु मदीना तैयबा हिजरत करते हैं। यहाँ हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु को ये सआदत मिलती है कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाती खादिम मुकर्रर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात के छोटे मोटे काम और अमूर मेहमानदारी हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु ही सर अंजाम दिया करते थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद बरदार और खाजिन भी थे। जब मस्जिद नबवी की तामीर मुकम्मल हो गई और अजान कहने का मरहला पेश आया तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु ही को ये सआदत मुयस्सर आई कि वो मुअज्जिन मुकर्रर हुए। इस तरह वो इस्लाम के पहले मुअज्जिन थे। वो दिन में 5 वक्त अपनी बुलंद और दिलकश आवाज में अजान दिया करते थे। उस वक्त 2 मुअज्जिन थे, एक अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम और दूसरे बिलाल रजी अल्लाह अनुमा। फिर उनका नाम ही बिलाल मुअज्जिन हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात आसमानों पर तशरीफ ले गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में बिलाल रजी अल्लाह अनु के चलने की आहट समाअत फरमाई। दूसरी सुबह हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बिलाल कौन सा अमल सर अंजाम देते हो? मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनी है। अर्ज किया, मैंने रात और दिन के वक्त जब भी वुजू किया है तो उस वुजू के साथ 2 रकत नफल जरूर पढ़े हैं। इसी तरह जब भी अजान दी 2 रकत नमाज पढ़ी है, और जब भी मेरा वुजू टूटता है मैं फौरन अपने वुजू की तजदीद करता हूँ और 2 रकत नमाज यानी तहियतुल वुजू जरूर पढ़ता हूँ। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद की नमाज पढ़ाई, फिर खुतबा इरशाद फरमाया और फिर औरतों की तरफ तशरीफ ले गए, उनको वाज़ और नसीहत फरमाई। उस मौके पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हाथ का सहारा ले रखा था। उस मौके पर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों को सदका और खैरात करने की तलकीन की तो औरतों ने अपना जेवर उतार उतार कर पेश करना शुरू कर दिया। उस मौके पर हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु ने फौरन अपनी चादर फैला दी और औरतों ने उस चादर पर अपने अपने जेवरात डाल दिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितने भी गजवात में तशरीफ ले गए हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु आपके साथ थे। इस्लाम की सबसे पहली और अहम लड़ाई बदर के मकाम पर हुई। यहाँ हजरत बिलाल रजी अल्लाह अनु को अपने आप पर ढाए जाने वाले मजालिम का हिसाब चुकाने का मौका मिल गया। ये पहले अर्ज किया जा चुका है कि उमैया बिन खल्फ आपका आका था
और उसने आप पर बेहद जुल्म किए थे। उमैया बिन खल्फ जमाने जहलियत में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु का दोस्त था। जब बदर में काफरों को शिकस्त फाश हुई तो कुरैश में भगदड़ मच गई। मुसलमानों ने माल गनीमत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु दुश्मन से कुछ जरें छीन कर ले जा रहे थे। दूसरी तरफ उमैया अपने बेटे अली का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु को देख लिया और जोर से चिल्लाकर कहा, अब्दुर्रहमान, क्या तुम्हें मेरी जरूरत है? मैं तुम्हारी इन जरों से कहीं बेहतर हूँ। आज ऐसा मंजर मैंने कभी नहीं देखा। क्या तुम्हें दूध की हाजत नहीं? वो उनसे चीख चीख कर कह रहा था, आओ मुझे और मेरे बेटे को गिरफ्तार कर लो, अपनी पनाह में ले लो, मैं फिदिया में दो बड़ी ऊंटनियां दूंगा। ये सुनकर अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु ने जरें फेंक दी और बाप बेटे दोनों को गिरफ्तार करके आगे बढ़े। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैं उमैया और उसके बेटे के दरमियान चल रहा था। उसने पूछा कि आप लोगों में से वो कौन सा आदमी था जिसने अपने सीने पर शुतर मुर्ग का पर लगाया हुआ था? मैंने जवाब दिया, वो हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह अन्हु थे। उमैया कहने लगा, उस शख्स ने हमारी सफों में तबाही मचा दी। जरा आगे बढ़े तो हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने उमैया को देख लिया। उन्होंने जोर से कहा, ओहो, ये तो कुफार का सरगना उमैया बिन खल्फ है, अब मैं बचूंगा या ये बचेगा? मैंने कहा, बिलाल, ये मेरा कैदी है। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने फिर कहा, अब ये बचेगा या मैं बचूंगा? साथ ही उन्होंने निहायत बुलंद आवाज से पुकार कर कहा, ए अल्लाह के अंसार, ये रहा काफरों का सरगना उमैया बिन खल्फ, अब या तो मैं रहूंगा या ये रहेगा। अंसार ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज सुनी तो भागते हुए आए और हमें घेरे में ले लिया। मैं उमैया और उसके बेटे का बचाव कर रहा था, इसी दौरान एक अंसारी ने उमैया के बेटे के पांव पर तलवार मारी, वो नीचे गिर पड़ा। उधर उमैया ने इतने जोर से चीख मारी कि मैंने वैसी चीख कभी नहीं सुनी। मैंने उससे कहा कि निकल भागो, मगर याद रखो आज भागने की कोई गुंजाइश नहीं, मैं अब तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकता। उस दौरान लोगों ने बाप बेटे को काट कर रख दिया। इस तरह हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर जुल्म सितम ढाने वाला अपने अजियतनाक अंजाम को पहुंचा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे कि अल्लाह बिलाल रजी अल्लाह अन्हु पर रहम फरमाए, मेरी जरहें भी गईं और कैदी भी मेरे हाथ से जाते रहे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु मदीना में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरपरस्ती में जिंदगी बसर कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने उनको एक निहायत आला शर्फ और अजीम रुतबा अता फरमाया। मक्का 8वीं हिजरी में फतह हुआ। वो मक्का जहां से मुसलमान बड़ी बेसरो समाने की हालत में निकले थे, जहां बिलाल को मारा जाता था, गर्म रेत पर लिटाया जाता था और उनके लबों से अहद अहद की सदा फिजा में गुंजा करती थी, और आज 10,000 का लश्कर जरार मक्का में फातिहाना शान से दाखिल हो रहा है। बैतुल्ला को बुतों से पाक किया जा रहा है, बुत ओंधे मुंह पड़े हुए हैं। मुशरिकीन मक्का बड़ी हसरत से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहे हैं। फिर उन सब को माफ कर दिया जाता है। जोहर की नमाज का वक्त हो चुका है। आज पहली मर्तबा बैतुल्ला से तौहीद का ऐलान होने वाला है। और फिर लोगों ने देखा एक हबशी आजाद करदा गुलाम हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु को ये अजीम शान एजाज मिल रहा है कि वो बैतुल्ला की छत पर खड़े हैं और अपनी बुलंद मुतरन्नम आवाज में कह रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मक्का की हवाओं और फिजाओं में हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की आवाज गूंज रही है। तौहीद की सदा, अकेले रब की वहदानियत की ललकार, अहद अहद की वो आवाज जिसे दबाने और खत्म करने की न जाने कितनी जबरदस्त सफाकाना कोशिश की गई, आज वही आवाज मक्का में गूंज रही है। और ये एजाज और इम्तियाज हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु को हासिल हो रहा है। काफरों के बड़े बड़े सरदार जल भुन कर रह गए, मगर ये बुलंद मर्तबा जिसे मिलना था मिल गया। सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद उन्होंने अजान कहनी छोड़ दी।
किसी ने वजह पूछी तो फरमाने लगे कि अब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते वक्त किसके चेहरे की तरफ देखूंगा। उसके बाद सिर्फ दो मौकों पर अजान दी। पहली मरतबा आपने उस वक्त अजान कही जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के दौर में सरहदों पर तशरीफ ले गए और जिहाद में मशगूल हो गए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जाबिया तशरीफ ले गए तो उनकी ख्वाहिश पर उन्होंने अजान कही। जब सहाबा कराम ने हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की अजान की आवाज़ सुनी तो बे इख्तियार रोने लगे। दूसरा मौका वो था जब वो मदीना तशरीफ लाए और हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह अन्हुमा ने उनसे अजान के लिए कहा। जब उन्होंने अजान दी तो मदीना में कोहराम मच गया। ये दोनों मौके बड़े रिक्कत अंगेज थे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु की तारीख वफात में इख्तलाफ है। बाज ने 17 हिजरी और बाज ने 21 हिजरी बयान की है। उनकी कब्र दमिश्क के कब्रिस्तान में है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन किराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हजरत बिलाल बिन रबाह रजी अल्लाह अन्हु की सीरत का ये किस्सा ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको सीरत सहाबा की ये उर्दू सीरीज पसंद आ रही हो तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकअल्लाह।